नेटसर्फ नेटवर्क में आपका स्वागत है, जो भारत की सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। नेटसर्फ का रेम्यूनरेशन सिस्टम पारदर्शक एवं पूर्णतः कानूनी है, साथ ही स्मार्टफोन से ऑपरेट करने में भी आसान है। इसकी संरचना कंज्यूमर्स और डायरेक्ट सेलर्स दोनों के फायदे के लिए की गई है। जब कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स खरीदारी एक तय की गई राशि के ऊपर हो जाती है, तो वो प्रोडक्ट्स की एमआरपी पर डिस्काउंट्स का लाभ उठा सकते हैं और डायरेक्ट सेलर्स विभिन्न कमीशन, इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशंस के माध्यम से कमा सकते हैं। चलिए अब नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कमाने के तरीके को अच्छी तरह समझते हैं। नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर तीन तरीकों से कमा सकते हैं। पहला, डेली। दूसरा, 15 दिन की प्रत्येक पे आउट साइकिल में। तीसरा, 4 महीने की प्रत्येक फेज में। रिटेलिंग डेली कमाने का तरीका है। उदाहरण के तौर पर, डायरेक्ट सेलर मिस्टर ए 30% डिस्काउंट पर एक नेटसर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर मिस्टर ए इस प्रोडक्ट को एमआरपी पर कंज्यूमर को बेचते हैं। इस केस में एमआरपी पर मिलने वाला 30% का डिस्काउंट रिटेल कमीशन बन जाता है, जो उसे कैश में मिलता है। इस तरह से कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स बेचकर डेली रिटेल कमीशन कमाया जा सकता है। प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर डिस्काउंट्स इस प्रकार से हैं। पहला, ₹4,000 तक की खरीदारी पर नो डिस्काउंट। दूसरा, 4,000 से अधिक की प्रोडक्ट खरीदारी पर 25% का डिस्काउंट और वो डायरेक्ट सेलर बनता है। तीसरा, 9,000 से अधिक की खरीदारी पर डायरेक्ट सेलर्स को 30% का डिस्काउंट और वो मास्टर डायरेक्ट सेलर बनता है। चौथा, 15,000 से अधिक की खरीदारी पर डायरेक्ट सेलर्स को 35% का डिस्काउंट और उसका स्टेटस मास्टर डायरेक्ट सेलर का ही रहता है। पांचवा, 30,000 से अधिक की खरीदारी पर डायरेक्ट सेलर्स को 40% का डिस्काउंट और वो प्रीमियम मास्टर डायरेक्ट सेलर बनता है। स्टेटस और डिस्काउंट्स के लाभ उठाने के लिए ये सभी खरीदारी लॉगिन के 90 दिनों में होनी चाहिए। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जैसे जैसे डायरेक्ट सेलर्स की प्रोडक्ट्स खरीदारी का मूल्य बढ़ता है, उन्हें बेहतर डिस्काउंट्स मिलते हैं। चलिए अब प्रत्येक 15 दिनों में कमाने के तरीके को समझते हैं। पहला, लाइफ टाइम कमीशन। दूसरा, टर्नओवर बेस्ड कमीशन। सिर्फ मास्टर डायरेक्ट सेलर्स ही 15 दिन में मिलने वाले कमीशन का लाभ उठा सकते हैं, जिसका अर्थ है जब मिस्टर ए ₹9,000 या उससे अधिक के नेटसर्फ प्रोडक्ट्स की खरीदारी करते हैं, तो वो मास्टर डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं और वो लाइफ टाइम कमीशन और टर्नओवर बेस्ड कमीशन कमा सकते हैं। लाइफ टाइम कमीशन, इसकी गणना ए के द्वारा नियुक्त किए गए डायरेक्ट सेलर्स की प्रोडक्ट्स खरीदारी पर 5% से की जा सकती है। ये कमीशन प्रत्येक पे आउट साइकिल में कमाया जा सकता है। टर्नओवर बेस्ड कमीशन, यदि नेटसर्फ नेटवर्क में डायरेक्ट सेलर की अपनी टीम है, तो वो प्रत्येक पे आउट साइकिल में टर्नओवर बेस्ड कमीशन कमा सकता है। इसकी गणना उसकी टीम्स में मौजूद डायरेक्ट सेलर्स के कुल टर्नओवर पर की जाती है। टर्नओवर बेस्ड कमीशन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। ए, टर्नओवर कमीशन 3%। बी, प्रोडक्ट प्रमोशन इंसेंटिव 1%। सी, ट्रेनिंग इंसेंटिव 1%। डी, बिजनेस डेवलपमेंट इंसेंटिव 1%। टर्नओवर बेस्ड कमीशन क्लब लेवल्स के अनुसार 3% से 6% तक हो सकता है। चलिए अब क्लब लेवल्स और उनके कमीशन संरचना पर एक नजर डालते हैं। बिगिनर और लाइटनिंग स्टार क्लब के लिए 3% कमीशन, स्टार और सुपर स्टार क्लब के लिए 4% कमीशन, ऑप्स और सिल्वर क्लब के लिए 5% कमीशन, गोल्ड, डायरेक्टर और सीएमडी के लिए 6% कमीशन। चलिए अब मिस्टर ए के लिए टर्नओवर बेस्ड कमीशन की गणना करते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए मास्टर डायरेक्ट सेलर के बिगिनर क्लब लेवल में है, इसलिए टर्नओवर बेस्ड कमीशन 3% होगा। मिस्टर ए ने एक पे आउट साइकिल में ₹20,000 के प्रोडक्ट की खरीदारी की, जिसे सेल्फ टर्नओवर माना जाएगा। मिस्टर ए की 2 टीम्स हैं, टीम बी जिसका कुल टर्नओवर ₹1,00,000 है और टीम सी जिसका टर्नओवर
2,00,000 रुपया है। ये दोनों एक ही पेआउट साइकिल में है। इस केस में टर्नओवर बेस्ड कमीशन की गणना इस प्रकार से होगी। स्टेप एक, सबसे अधिक टर्नओवर वाली टीम को पहचाने, जो कि टीम सी है। स्टेप दो, अब बाकी दोनों टीम्स के टर्नओवर को जोड़ दें, जो कि 1,20,000 रुपए है। स्टेप तीन, स्टेप दो में जोड़ी गई राशि और टीम सी के टर्नओवर में से न्यूनतम राशि वाली टीम को पहचाने, जो कि 1,20,000 रुपया है। स्टेप चार, अब टीम सी से उतनी ही राशि लेकर स्टेप टू की राशि में जोड़ दें, जो कि 1,20,000 रुपए में 1,20,000 जोड़ने पर 2,40,000 रुपए होते हैं। स्टेप पांच, ये मानते हुए कि ए का टर्नओवर बेस्ड कमीशन 3% है, स्टेप चार में प्राप्त हुई राशि पर 3% से गणना करेंगे, जिसका मतलब है 2,40,000 का 3%, जो कि 7,200 रुपए है। अतः मिस्टर ए का टर्नओवर बेस्ड कमीशन उस पेआउट साइकिल में 7,200 रुपए होंगे। स्टेप छह, टीम सी का बचा हुआ टर्नओवर, जो 80,000 रुपए है, कैरी फॉरवर्ड होकर अगली पेआउट साइकिल में चला जाएगा। इस तरह से आप किसी भी डायरेक्ट सेलर के टर्नओवर बेस्ड कमीशन की गणना कर सकते हैं। 15 दिन में कमाने के तरीकों को समझने के बाद चलिए अब फेज वाइज कमाने के तरीकों को समझते हैं। एक फेज में 4 महीने होते हैं और इस तरह से आप साल में 3 बार कमा सकते हैं। फेज वाइज अर्निंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्लब नेट सर्फ। क्लब नेट सर्फ एक रिवॉर्ड एवं रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से डायरेक्ट सेलर अचीवर्स शानदार छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं एवं विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्थलों पर घूमने का अवसर पाते हैं। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग इंसेंटिव, ये 1,000 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके लिए डायरेक्ट सेलर्स को निश्चित टर्नओवर के टारगेट हासिल करने होते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत डायरेक्ट सेलर्स के स्किल्स और नॉलेज को बेहतर करने का प्रयास किया जाता है। इसको एग्जीक्यूशन, कोर और प्रिविलेज नाम के 3 लेवल्स में विभाजित किया गया है। 3. बेस्ट परफॉर्मर बोनस फॉर मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स। हर फेज में टॉप 3 रीजन्स और उनके MCM को परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो कि गिफ्ट या फिर कैश इंसेंटिव के रूप में होता है। 4. फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। ऑप्स एवं उससे ऊपर के क्लब में आने वाले डायरेक्ट सेलर्स को नेटसर्व के फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का फायदा मिलता है, जिसमें जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, मेडिक्लेम एवं नॉमिनी सुविधा मौजूद है। नेटसर्व की रेम्यूनरेशन सिस्टम एक प्रोडक्ट बेस्ड रेम्यूनरेशन सिस्टम है, जिसमें कमीशन और टर्नओवर की गणना नेटसर्व डायरेक्ट सेलर द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट्स पर की जाती है। साथ ही इसकी कुछ विशेषताएं निम्न रूप से हैं। प्रोडक्ट्स की खरीदारी का अनिवार्य न होना, कोई भी नवीनीकरण शुल्क न होना, डायरेक्ट सेलर्स के लिए स्टॉक संचय का अनिवार्य न होना, किसी भी प्रकार के सहायक प्रोडक्ट्स की खरीदारी का अनिवार्य न होना। इस रेम्यूनरेशन सिस्टम की खासियत ये है कि एक पेआउट साइकिल में एक डायरेक्ट सेलर अधिकतम 8.19 लाख रुपए कमा सकता है। पिछले 15 वर्षों में 281 बार हासिल किया गया है। 35 डायरेक्ट सेलर ने 1 करोड़ से भी अधिक कमाया। 72 डायरेक्ट सेलर्स ने 50 लाख रुपए से अधिक कमाया। 135 डायरेक्ट सेलर्स ने 25 लाख रुपए से अधिक कमाया। 304 डायरेक्ट सेलर्स ने 10 लाख रुपए से अधिक कमाया। और यही सब बातें इसे एक आदर्श रेम्यूनरेशन सिस्टम बनाती है।